सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। ये तो मान लेना पड़ेगा कि हमने अभी तक केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त नहीं किया। नम्रता पूर्वक इस बात को अगर हम मान ले कि हमने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया जो सबके अंदर एक ही तरह की भावना, विचार और संवेदना प्रस्थापित करता है। कारण जो भी हो वो तो बाद में देखा जाएगा, पर अगर हम अपने बारे में सोचें तो मानव जाति में अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि वो केवल सत्य को जाने। अगर वो केवल सत्य को जानता होता तो ये आज नाना प्रकार के झगड़े, नाना प्रकार के विवाद और अनेक तरह की विचारधाराएं और प्रणालियां न चल पड़ती। सब लोग एक ही चीज को मानते क्योंकि एकमेव केवल सत्य को हम जानते नहीं हैं। इस अंधेपन में जिस तरह एक हाथी को 6 अंधे ढूंढने गए थे और उन्होंने 6 प्रकार से जाना था, उसी प्रकार हम सत्य को, रियलिटी को जानते हैं और इसीलिए ये सारी आफत मची हुई है। किस किस तरह के हमारे सामने प्रश्न है जिसका हल सब सोचते हैं कोई नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल वातावरण की दूषित इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत हमारा पर्सनल भी बहुत सा प्रॉब्लम है, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक भी। सबके लिए एक एक प्रश्न ही है, जीवन एक प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का हल जब हम बुद्धि से करते हैं तो शब्द के जाल में फंस जाते हैं। विचारों से जब हम किसी चीज को सुलझाना चाहते हैं तो और उलझ जाते हैं, क्योंकि विचार जो है धीरे धीरे नई नई इमारतों का सर्जन करते हैं और उस इमारतों में हम लोग खो जाते हैं। ये भ्रामकता इस कलियुग की विशेष आशीर्वाद रूप एक दान है और ये भ्रामकता प्राप्त होने से ही आज मनुष्य अंधेरे से उठना चाहता है और प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इसकी यातनाएं अब सही नहीं, सहन नहीं होती। इसको महसूस कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस दुर्धर जीवन से किसी ऐसे जीवन में हम परिवर्तित हो जाएं जहां ये सब चीजें हम एक नाटक की तरह देख सके। जब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं और पाश्चिमात्य देशों का
प्रगल्भ होना, उसकी प्रगति होनी हमारी आंखें चकाचौंध कर देती है। लेकिन जब आप वहां जाकर देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि हम लोग इनसे बहुत ज्यादा सुखी हैं। पता नहीं इस भारतवर्ष की क्या, इस योग भूमि की क्या देन है कि अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की बीमारियां कि कहा जाता है अमेरिका में थोड़े साल बाद 65% लोग किसी न किसी गुप्त रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इस भारतवर्ष के परम आशीर्वाद से ही अभी तक हम लोगों में नैतिकता का भाव बहुत जबरदस्त है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये जो प्रगल्भता बाहर हुई है और जो प्रगति दिखाई देती है ये बिल्कुल विनाश के ओर जाने वाली प्रगति है, और इंसान को प्रगति इस तरह से अगर करनी हो तो बेहतर है वो प्रगति न करे। इसके बारे में पिछली मर्तबा मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार ये प्रगति बढ़ रही है। लंदन शहर में हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं, तो ऐसी जगह कैसे लोग रहते होंगे ये आप समझ सकते हैं। और भी बहुत गंदी बातें बच्चों के साथ हो रही हैं, जिसका आप लोग अंदाज ही नहीं लगा सकते, आपके दिमाग में भी नहीं आ सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है। अगर आप न्यूयॉर्क चले जाइए तो आप कोई सोने की चीज पहन के जा नहीं सकते, इतना समृद्ध देश है, लोग कहते हैं उनके पास बहुत गोल्ड रिजर्व है आदि आदि आदि, किंतु आपने अगर छोटी सी भी एक सोने की चीज वहां पहन के गए तो आपकी गर्दन कट जाएगी, आप घड़ी पहन के नहीं जा सकते, मंगलसूत्र भी पहन के जाने की वहां व्यवस्था नहीं। इस प्रकार की अराजकता ये बड़े बड़े प्रगतिशील देशों में हो रही है, और इस कदर मूर्ख और मूढ़ लोग हैं कि उनके मूर्खता का वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसे एक एक्ट्रेस की 8वीं शादी हुई, 8वीं, अपने यहां अगर किसी की दूसरी शादी हो तो लोग उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको घर में नहीं आने देंगे। इनकी 8वीं शादी हुई, और 8वीं शादी का हनीमून देखने के लिए वहां आपसे ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे, और हेलीकॉप्टर से लोग उनका फोटो लेने के लिए पैराशूट कर रहे थे, जो 10 हेलीकॉप्टर थे, तो वो लोग आकर के धड़ाधड़ इन लोगों पे गिरे जो देख रहे थे, प्रेक्षक थे, वो फोटो लेना चाहते थे पर वो तो उन पे आके गिर गए, और कुछ जा करके खजूर में अटक गए। इस तरह की मूर्खता की बात अपने देश में कोई भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य की प्रगल्भता, मैच्योरिटी जो आज हिंदुस्तान में है उसका आपको अंदाज नहीं। उन लोगों पे हंसी आती कभी, बात बात में वो कहेंगे कि मैं तुझसे घृणा करता हूं। आप बताइए, अपने अगर कोई ऐसा कहे तो लोग सोचे से पागल खाने छोड़ा हो, किसी से घृणा करना ये पाप है। ये अपने देश में सब लोग जानते हैं, कोई आपने सुना है हिंदी में, उर्दू में, मराठी में या तमिल में ऐसी बात कहेगा कि मैं तुझसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू, वहां उठे बैठे लोग ये बात कर। इन लोगों में कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। और इस कदर गंदगी के और बढ़े चले जा रहे हैं, किसी भी तरह की नैतिकता की वहां बात नहीं कर सकते, ना कोई समझ सकता, है। 90 साल के सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस शेक डांस के लिए निकले,
टेलीविजन पे दिखा रहे थे, वो मोटर से उतरते वक्त ही शेक कर रहे थे। मैंने कहा अभी आगे कौन सा शेक डांस करने वाले। इन लोगों की जो दुर्दशा है वो अगर आप वाकई एक साक्षी स्वरूप होकर देखें तो समझ लेंगे कि अपनी देश में बहुत बड़ी प्रगल्भता है। बेवकूफी की बातें अपने यहां कोई नहीं कर सकता, और कोई करे तो उसे फौरन लोग ठिकाने लगा देते हैं। थोड़ा बहुत असर आ गया है। वैसे तो बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बंडूंडे हजार मिलते हैं, पर अगर हिंदुस्तान में हजार मिलते हैं तो बाहर करोड़ों मिलते हैं। और ये प्रगल्भता होते हुए भी हम लोग भी किसी और चीज में जकड़ गए, और उस जकड़न के कारण हम लोग भी नहीं उठ पाते उस सत्य की ओर जिससे हमें प्रकाश मिलने वाला है। और हमारी जकड़ जो है वो है अंधश्रद्धाएं। किसी भी चीज में हमने विश्वास कर लिया तो वो परम विश्वास हो जाता है। किसी पर विश्वास करो या न करो, जब तक आपने किसी चीज को खोज नहीं निकाला तब तक किसी को विश्वास करने से भी कुछ लाभ नहीं, और विश्वास नहीं करने से भी कोई लाभ नहीं। तो जब हम सत्य की खोज पे निकले हैं तो पहले जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। इस सत्य को भी अगर आप देखें तो हर एक धर्म में कहा गया, किसी भी धर्म में खराबी नहीं। आप इस्लाम को पढ़िए तो सोचिएगा कितना उत्तम धर्म है। आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़े तो कहेंगे कितना उत्तम धर्म है। सिखों का धर्म कितना उत्तम है, बुद्धों का धर्म कितना उत्तम है, जैनियों का धर्म कितना उत्तम है। लेकिन ये सब उत्तमोत्तम सारे जो पुष्प एक अध्यात्म के वृक्ष पे आए थे वो आज सब ने तोड़ लिए हैं, और हर एक इस टूटे हुए मुरझाए हुए मरे हुए फूल को मेरा ये करके झगड़ा कर रहा है। इसका भी एक कारण है कि ये जीवंत फूल क्यों टूट गए। कारण ये धर्म कोई सा भी धर्म या तो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मनी ओरिएंटेड है, और या तो सत्ता के पीछे में पावर ओरिएंटेड है। लेकिन कोई भी आत्मा के तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जो सब धर्मों में कहा है कि आत्मानुभव लिए बगैर आप जान ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। यहाँ तक कि महावीर और बुद्ध ने तो परमात्मा की बात नहीं की, वो निरीश्वर बात पे आ गए कि छोड़ो परमात्मा को, पहले तुम अपना आत्मा जानो। सब कहते गए एक के बाद कितनों ने ये बात कही, अपने ही देश में नहीं बाहर भी बहुत से कवियों ने, गर्टर है, विलियम ब्लेक है, लुईस है, अनेक लोगों ने आत्मा पर चर्चा किया। ईसाई धर्म में तो बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते। तो उन लोगों ने अपने सर पे लगा ली पार्टी की पुनर्जन्म हुए हैं बॉर्न अगेन लोग, बस पार्टी लगा ली, हम ईसाई मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम फलाने, पार्टी लगा ली। लेकिन कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो सब पाप कर ही सकता है, कोई सा भी पाप वो कर सकता है। फिर ये सर पे ये ब्रांड लगाने की क्या जरूरत है, उसका तो कोई असर ही नहीं। और फिर उसी को लेकर के
झगड़ा भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने सुना कि अजरबैजान को, वहां के लोग जो अजरबैजान हैं, उनको आर्मेनियंस ने मारा, और मारने से पहले वो बाइबल पढ़ते थे। बताइए, ईसा मसीह जिसने क्रूस पर सबको माफ कर दिया, वो ईसाई लोग बाइबल पढ़ के जाके सबको मारते थे, क्योंकि आप मुसलमान। इस बेअकली का कारण एक ही है कि धर्म की जो नींव है वो सत्य पर नहीं, असत्य पर है। बुद्ध के जमाने में भी ये बात हुई, ईसा मसीह के बाद भी यही बात हुई। ईसा मसीह के जो असली शिष्य थे वो भाग खड़े हो गए, और वहां एक गलत आदमी, पॉल नाम के आदमी ने सब ठिकाना लगा दिया। इसी प्रकार बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग को छोड़ करके लोग कोई लेफ्ट को गए, कोई राइट को गए। जो राइट को गए वो यही हो गए जो कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कांटों पर सोना, और इतने क्रोधी कि उनके पास आप जाइए तो लगे कि कोई ओवन यहाँ जल रहा है, और अगर बात भी करना हो तो दूर से ही बात करिए, नहीं तो एक झापड़ी मार देंगे आपको। इसको कहते हैं एसेटिसिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बुद्ध ने तो इसलिए किया था कि उस वक्त काम की जरूरत थी, कार्य की जरूरत थी। और दूसरे हुए वो तांत्रिक बने घूम रहे हैं। मैंने सुना दिल्ली में बहुत से तांत्रिक घुसे हुए हैं, और सब लोग इन तांत्रिकों के चरण सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब ये चरण सेवा उनको प्राप्त होगी तब उसके जो परिणाम होंगे वो आप लोग उठा नहीं सके। इन तांत्रिकों से भी बहुत ज्यादा जकड़ हो गई है, इन सब से बच के रहना चाहिए। ऐसी ऐसी ये बीमारियां फैलाते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफें देते हैं, क्योंकि सारे में पैसे का है तो अनुभव है, सबको पैसा चाहिए। 100 रुपया यहाँ रखिए, 200 रुपया आप रखिए, 1000 रुपया आप रखिए, तो आपके माताजी के पास स्वर्ग में हम एक गाय पहुंचा देंगे। ऐसा कौन सा एरोप्लेन है भाई जो ऐसा कार्य करता है? पर हमारे यहाँ है, इस चीज का विश्वास हम लोग करते हैं, और ऐसा कार्य हमने किया है। इस चक्रण से भी निकलना बहुत जरूरी है, कि समझना कि सत्य में मनुष्य को आत्मा ही के रूप पर, आत्मा ही के ओर उतरना। किसने नहीं कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे न बनक भ्रम की काई। जब आप आपा को चीनेंगे तभी आप खालिस होंगे। अपने ऐसी ब्रांड लगाने से कोई खालिस नहीं हो सकता। खालिस का मतलब है शुद्ध होना, और शुद्ध होने के लिए कुंडलिनी है, ये साक्षात लिखा हुआ है। कबीर दास जी ने तो इतना लिखा हुआ है, पर उसको भी लोग अपने तरह से लगाते हैं। कुंडलिनी के सिवाय आपकी सफाई हो नहीं सकती। यही सफाई करने वाली माता आपके अंदर है। और जब यह आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा, तब आप सारे धर्मों का तत्व समझ करके सबका मान करेंगे, और जितने भी अवतरण हुए, जितने भी दृष्टा हुए, जितने भी प्रेषित हुए, प्रॉफिट्स हुए, सबका आप मान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। सहयोग में हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं, और उनसे भी अधिक जू लोग हैं, जो कि बिल्कुल मोहम्मद साहब को नहीं मानते, ना ईसा को मानते हैं, और दोनों ही मोहम्मद साहब को और ईसा को पूछते हैं। उसी प्रकार हिंदू लोग हैं, वो भी इन सब को मानते हैं। जब सब धर्म एक हो जाएगा तब आप कौन सी चीज लेके लड़िएगा? तब आपका फंडामेंटलिज्म कहाँ जाएगा? इस आज के विशेष समय पर हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो दुनिया का गॉर्बाचेव ने कम कर ही दिया, क्योंकि वो भी एक साक्षात्कारी पुरुष,
लेकिन जो ये फंडामेंटलिज्म का प्रश्न है वो सहयोग तोड़ेगा, बगैर सहयोग के ये प्रश्न टूट नहीं सकेगा। और मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जिससे लोगों की दिमाग में ये प्रकाश आएगा कि सब धर्म एक तत्व पे उगे खड़े हैं, एक ही तत्व का आधार इनके अंदर है, और वो है कि संतुलन हमारे जीवन में आ जाए और उस संतुलन के कारण हम आत्मानुभूति को प्राप्त करें। फिर ये सारे भ्रम, ये अंधविश्वास और ये गलत शरत जो हम अपने खोपड़ी पे लादे चल रहे हैं, ये सब टूट जाए। ये बहुत ही जरूरी है। जब हमारी प्रगति होती है तब वो सबको दिखाई देती है, उसका प्रकाश सबको दिखाई देता है, उसका असर सब पर आता है। आज जो चक्रों के बारे में आपको बताया गया है, ये वास्तविक आपके अंदर पूरा बना हुआ ऐसा यंत्र है। ये आपकी उत्पत्ति से लेकर के जो आपकी उन्नति हुई है इवोल्यूशन में, वो सारी की सारी इन चक्रों में है। और अब आखिरी थोड़ा सा और आपको चढ़ना है, थोड़ा सा। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके और आपके ब्रह्मरंध्र को छेदते, उसी के साथ साथ क्योंकि आपका शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आत्मिक जितना भी कुछ कार्य है वो यही चक्र करते हैं, इसलिए जैसे ही कुंडलिनी आपके इन चक्रों में जागृत हो जाएगी वो उसको प्लावित करेगी, नरिश करेगी और उसको समग्र करेगी, उन चक्रों को पिरो देगी एक धागे में, माने आप में समग्रता आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, आपके मज्जा तत्व पर आपको महसूस होगा, सत्य आपको महसूस होगा। अब सत्य क्या है? एक तो सत्य यह है कि आप शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि कुछ नहीं है, आप शुद्ध आत्मा है। बहुत ऊंची चीज है, गौरवशाली, सौंदर्यशाली, ऐसी एक महान आप व्यक्ति है, किंतु अज्ञान के वजह से ढक गई। और दूसरा सत्य यह है कि चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य, इसको आप रूह कहिए, ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहिए, चाहे जिस भी नाम से लीजिए, और निराकार की भी बात करें तो वो जो परम चैतन्य है जो ये सारे सुंदर फूलों को बनाते, सारा जीवंत कार्य जो ये शक्ति करती है, उसको आप पहली मर्तबा अपने उंगलियों पर तक जान सकते हैं। यानी आपकी जो चेतना है, अवेयरनेस है, उसमें एक नया आयाम, न्यू डायमेंशन आ जाता है, जिसमें आप महसूस करते हैं इस शक्ति को आपने पहले कभी जाना नहीं। कुंडलिनी के जागरण के बाद ही आप इस शक्ति को जान सकते हैं, और तभी आप में उसी के साथ साथ आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। मतलब यह है कि आप अपने चक्रों के बारे में जानते पूरी तरह से, और अपने आत्मा के जो तीन महान गुण है, केवल सत्य और चित्त का प्रकाशित होना और तीसरा आनंदमय जीवन, ये तीनों की तीनों आपको प्राप्त हो जाते। इसके अलावा आप एक साक्षी स्वरूपत्व को प्राप्त होते हैं।
क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होकर के इस चक्र को लांघती है तब हमारे अंदर निर्विचार समाधि स्थापित होती है, जिसे बुद्ध ने कहा है कि अपने दिमाग को खाली करो, एम्प्टी माइंड। जो खाली कर दो, इस दिमाग को खाली करो, क्योंकि विचार जो है ये वर्तमान से और आते नहीं। आते कहां से है? भविष्य से और या तो भूतकाल से। वर्तमान से आते नहीं, वर्तमान में आप आ नहीं सकते, प्रेजेंट में आप आ नहीं सकते। मैं अभी कह दूं कि आप प्रेजेंट में जाइए, आप जा नहीं सकते, और प्रेजेंट ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि जो हो गया सो खत्म हुआ, और जो हुआ नहीं वो मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो जब यह कुंडलिनी इस चक्र पे आ जाती है तब आप निर्विचारता में आ जाते हैं, क्योंकि आपके दोनों जो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो दिखाए गए हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है और आपका जो अहंकार है, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से खींच जाते हैं। और फिर आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे कि हम तालु पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो खुल जाता है, और खुलते ही साथ कुंडलिनी पार हो जाती है। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बिल्ट इन है। जैसे आप यहाँ आए, अब देखिए इतनी इतने सारी यहाँ लाइट्स लगी हुई, तो भाई इसको जगाने के लिए वहां एक स्विच है, उसको दबाई, ये सब हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बनाया हुआ है, सब आपके अंदर बना बनाया है। जैसे एक बीज में जितने भी इसके अंदर से वृक्ष आने वाले हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसका सब नक्शा होता है। आप उस बीज को बस जमीन में ये माँ के सहारे कर दो, वो पनप जाता है। अब आपने क्या किया, आप क्या सर के बल खड़े हुए कि कुछ आपने उसमें दम लगाया कि आप हिमालय में गए? कुछ नहीं। इस पृथ्वी में ये शक्ति है, ये माँ है, इसमें आपने बीज लगा दिया, पनप गए। हम लोग उस पर कोई आश्चर्य नहीं करते, सोचते ठीक ही बात। उसी तरह ये एक उत्क्रांति की, रिवॉल्यूशन की जीवंत क्रिया है। आज हम अमीबा से इंसान बने, ठीक है, कैसे बने, किसने बनाया, किस तरह से बन गया, कोई हम विचार नहीं करते, इंसान बन गए बस हो गया। इससे आगे कुछ है कि नहीं, इधर जरूर विचार करना चाहिए कि जरूर होगा कुछ न कुछ आगे, नहीं तो हम लोग इतने भ्रम में क्यों हैं, इतनी आफत में क्यों हैं? क्या हम इंसान इसलिए बने कि इस आफत में पड़ जाएं? कि बहुत से लोग सोचते हैं सुसाइड कर डालो, इस जिंदगी से बाहर आए। ये क्या जिंदगी है? इस जिंदगी का अगर मजा ही नहीं मिलने वाला, मनुष्य जीवन का अगर आपको आनंद ही नहीं आने वाला है, तो ऐसे जिंदगी से तो बाहर आए। तो कुछ ना कुछ तो आगे को चीज होगी ही, और वो क्या चीज है? वो है परमात्मा का साम्राज्य। उसको प्राप्त नहीं करना है, वहां आपको निमंत्रण, आप आइए बाकायदा, आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं, और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज को। इसी वक्त आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, इसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए, इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है, इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना फौरन, उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं
उस महामानव में, उस विराट में, उस अकबर में। और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे ये हम सामूहिकता में कहां थे, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही अच्छे हैं। मैं आपसे कहूं, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि कुंडली काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचे, जहां पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16,000 लोग आते थे और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको, हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते, तो भी वही वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22,000 सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर, वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे? प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे? दवा लीजिए, दवा, दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए हैं प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिना आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसाफ होता है, अंदर खिंचते जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के लोग तो आप जानते हैं ना, उनके दिमाग कितने कड़क होते हैं। वहां पर सहयोग में जो पार हुआ, दूसरे दिन उसके ड्रग्स छूट गए, शराब छूट गई, सब छूट गया। मैं किसी से कहती नहीं हूं कि शराब मत पियो, क्योंकि आधे लोग उठ के चले जाएंगे। ये तो बहुत ही बुरी बात है कहना कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, बाप रे बाप, ये तो मैं कहती नहीं, आप ही छोड़ देंगे। मैं कहती इस गली में आ जाओ, फिर देखती हूँ, अपने आप ही छूट जाएगा आपका। क्योंकि न कि आप उसे देखते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप छोड़ देते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये छोड़ वो छोड़, सब छोड़ के आप सीधे हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूं कि आप गुस्सा छोड़ो, गुस्सा ही भाग खड़ा हो जाता है आत्म साक्षात्कार आदमी से। तो इस अपनी शक्ति को हमें प्राप्त करना है, और इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आपको हैरानी होगी कि सारे संसार में हजारों लोग आज इस शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। ये कोई मेरी शक्ति नहीं है, यह आपकी अपनी शक्ति, आपकी माँ है, यह आपका अपना गौरव है जिसे आपको प्राप्त होना है। मैं तो सिर्फ जैसे कोई एक जला हुआ दिया होता है, वो दूसरा दीप जला देता है, इस तरह से मैं आपका दीप जला देती हूँ, फिर आप जलाते फिरिए। आप में यह शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडलिनी जागृत करें, लोगों को ठीक करें, और ज्ञान का भंडार आपके अंदर खुल जाए, शुद्ध ज्ञान का। असल क्या, नकल क्या, आप फौरन पहचान लेंगे आपके उंगलियों के इशारों पर कुंडलिनी चलेगी। ऐसी आपके अंदर शक्तियां हैं। अब आप कहेंगे कि माँ, पहले जमाने में तो एक आदमी कहीं पार होता था, वो जितने खोज रहे थे पहले जमाने में, वो सब आज यहाँ सामने बैठे हुए।
और सबको ये पाना है। सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम सब पार हो जाएंगे, और दूसरा निश्चय होना चाहिए, व्रत निश्चय होना चाहिए कि पार होने के बाद हम इसमें बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और अपनी पूरी वृद्धि कर लेंगे। नहीं तो जैसे अंकुरित हुआ एक बीज है वो कैसा बेकार जाता है, ऐसे ही लोग पार तो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी हो जाते, कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो आपकी इस भूमि का ही प्रसाद है। मुझे तो बाहर इतनी मेहनत करती पड़ती है, यहाँ तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हिंदुस्तानी आदमी एकदम से खट से पार हो जाता है, उसकी कुंडलिनी एकदम जागृत हो जाती है। बड़े पूर्व पुण्यों की वजह से आप इस देश में पैदा हुए, बहुत पूर्व पुण्य के इसलिए इस देश में आप पैदा हुए। और अब आप जानिएगा कि कितने जल्दी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन फिर उसको आगे वृद्धिंगत करना, उसको बढ़ाना है। ये कनेक्शन पहले जब हो जाता है उस परम शक्ति से, तभी योग घटित होता है। श्री कृष्ण ने क्या कहा, योग क्षेम वहम्यम। उन्होंने क्षेम योग नहीं कहा। अभी एक कोई कह रहे थे, साहब मैं कृष्ण का नाम इतना लेती हूँ, देखिए मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा, देखो कृष्ण तो यहीं बसे हुए हैं और तुम्हारा गला क्यों बैठ गया भाई? क्योंकि आपको अधिकार नहीं, आपका योग नहीं बना। जब तक आपका योग नहीं बना है, क्या फायदा है टेलीफोन करने से अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बना? इसीलिए आपका गला खराब हो गया। और हो सकता है श्री कृष्ण भी नाराज हो, क्या वो आपके नौकर है हर समय उनका नाम लेने के लिए? अरे आप वैसे ही कोई 10 बार आपका नाम ले तो कहें, क्या पागल कुत्ते ने काटा है, काहे मेरा इतना नाम ले रहा? या आपके प्रेसिडेंट साहब है, उनका नाम अगर आप लेते हुए पहुंच जाइए तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। कुछ तो कारण होना चाहिए, बेकारी में उनका नाम लिए चले जा रहे, तो वही स्वयं नाराज है आपसे। नाम वाम लेने से भगवान नहीं मिलने वाले। और बहुतों ने इसी तरह से चीजें घुसेड़ भी दी हैं अपने धर्म शास्त्रों में कि बस नाम रटते रहो। वो शायद इसलिए भी कहा होगा उन्होंने कि इधर उधर जाने से अच्छा बाबा नाम ही रटो। पर अब छोड़ो ना, जिस सीढ़ी पे चढ़ते थे अब वो सीढ़ी खत्म हुई, अब ऊपर क्यों नहीं आते, अब उसी सीढ़ी को चिपके बैठे हो। बहुत सहज सरल बात है, कहा भी है सहज समाधि लागू, सहज में ही समाधि लगती। और इन लोगों ने किसी ने कोई साधुपना किया था कि जा करके बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और सब दुनिया छोड़ करके, कुछ नहीं, सहज वही बीवी बच्चे सुंदर हो जाते, आप ही के हृदय में कमल खिल जाते, क्योंकि आप में सब ये चीजें स्थित है। सिर्फ एक कुंडलिनी का जागरण तो मात्र करना है और उसके प्रति श्रद्धा रख करके बाद में इस कुंडलिनी को पूरी तरह से आपको उस परम चैतन्य से संबंधित रखना चाहिए, इस योग को पूरी तरह से स्थापित करना चाहिए। हमारे दिल्ली में जहां तहां तो सेंटर्स बन गए, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस दिल्ली में कभी सहयोग भी होगा, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकरों के साथ रही हूँ और मैं तो कहती हे भगवान, ये तो सरकारी नौकर तो सिर्फ अपनी नौकरी और सरकार, इसके सिवा तीसरी चीज तो कभी सोचते ही नहीं, तो ये भगवान के बारे में क्या सोचेंगे? जब नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की सोचते हैं और जब रिटायरमेंट होता है तब सोचते हैं कि पेंशन कितनी मिलेगी, इसके अलावा कभी कुछ सोचते नहीं। पर यहीं पर ऐसे कमल के फूल खिल गए कि मैं तो हैरान हूं कि इस दिल्ली शहर में इतने कमाल के लोग कहां से आ गए। ये भी कोई पूर्व जन्म की चीज है कि इस दिल्ली शहर में भी इतने साधक सच्चे मन से आए और चाहते हैं कि उनको ये कुंडलिनी का प्रसाद मिले।
टाइम क्या हो रहा है आपके? साढ़े आठ। तो मैंने ये सोचा था आज के थोड़ा सा टाइम है, अगर आपको कोई प्रश्न वश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि दिल्ली के लोग जरा सोचते ज्यादा, दिमाग ज्यादा चलता है। और प्रश्न इसलिए पूछिए क्योंकि आपका बाद में जिस वक्त हम कुंडलिनी का जागरण करेगा करेंगे उस वक्त में आपका दिमाग आपको न कहे कि तू प्रश्न पूछ ले प्रश्न पूछ ले, इसलिए। और दूसरी बात है कि आप पूरे स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो जागरण लीजिए और न चाहे तो मैं कर ही नहीं सकती जागरण आपका, असंभव। अगर आप चाहेंगे तो ही जागरण होगा, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं आदर करती हूँ, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो पहले ये स्वतंत्रता तो मुझे माननी ही पड़ेगी। तो जिसको लेना हो वही रहेगा और जिसको नहीं लेना है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी चीज की जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता में कोई सा भी प्रश्न करें। दूसरी बात एक बता दूं आपसे कि आज 22 साल से मैं यही धंधा कर रही हूँ। सबसे पहले अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि आज हमें जागृति मिल जाएगी। पहला, किसी धर्म हो कुछ हो जो मैंने कहा हो वो भी भूल जाओ, हो सकता है उसमें तुम्हें लगेगा कि मैं इस गुरु के पास गया था, भूल जाइए सब। इस वर्तमान में आप मेरे लिए एक साधक मात्र है, कोई भी आपका रहा हो भूतकाल उसे आप भूल जाए। पूर्ण आत्मविश्वास अंदर होना चाहिए। दूसरा यह कि बहुत से लोगों को बताया जाता है कि तुम पापी हो, माने इस तरह की बहुत सारी प्रणालियां कि तुम आज उपास करो तुम पापी हो, तुम्हारा ये है वो है, ये सब बहुत गलत बात है। अरे भाई, आप इंसान हो, आप भगवान तो नहीं हो, आप ही गलतियां कर सकते हो। अगर आप दोषी होते तो अभी जेल में होते, यहां क्यों आते? तो कृपया अपने मन से कोई तरह का दोष या गिल्ट है उसको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप साधक हैं और आपकी साधना आपको फलित होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि आप सबको एक साथ क्षमा कर दें। ये बहुत लोग सोचते हैं बड़ा कठिन है माँ सबको क्षमा कर, लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ कि अगर आप किसी को क्षमा करें या न करें तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो जो आपको सता रहे हैं, जिन्होंने आपको सताया है, उनके हाथों आप खेलते हैं और उनकी जगह आप अपने को सता रहे हैं, तो फायदा क्या? लॉजिकल चीज है। सिर्फ आप इतना मन में कह दे कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह। मतलब यह है कि अपने प्रति एक प्रफुल्लित भाव, प्रसन्न भाव रखना चाहिए, न कि अपने को किसी तरह से नीचा गिराए या किसी तरह से दूषित समझे, लेकिन एक प्रसन्न भाव से बैठे। भक्त लोग अभी विभक्त हैं, अभी भक्त हो जाएंगे। सो बहुत ही आसान चीज है इसको प्राप्त करना, बस आप लोग अपने जूते जरा उतार करके रख लीजिए और कुछ करना है। मैं आपको इस भारत भूमि की विशेषता बताती हूँ, आप ऐसे हाथ करिए और मेरी ओर देखिए और विचार मत करिए, आपके विचार रुक जाएंगे, निर्विचार समाधि फौरन आ जाए। अपने पे विश्वास रखें, पहली चीज, शंका नहीं करना।
अब राइट हैंड मेरी ओर करें और सर को नीचे झुका के ब्रह्मरंध्र के ऊपर अधान ऊपर इस तरह से लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका लें और सबको पहले माफ करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब लेफ्ट हैंड से देखिए कि आपके सर में से कुछ ठंडी या गरम गरम कुछ हवा जैसे तो नहीं आ रही, किसी के ठंडी आएगी किसी गरम, अगर माफ नहीं किया तो बड़ी गरम आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए सबको, अपने को भी माफ कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सर झुका के देखना चाहिए लेफ्ट हैंड मेरी ओर, अब फिर सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए, किसी किसी को बहुत दूर तक आती है, बड़े जोर में भी आती, किसी को दी नहीं, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म चीज है ना। हाँ, अब फिर से राइट हैंड मेरे, अब लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका के, चाहे तो चश्मा उतार लें, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर पीछे की ओर करके एक सवाल पूछें कि क्या माँ यही परम चैतन्य है, यही ब्रह्म चैतन्य है, कोई सा भी एक प्रश्न पूछे, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, पीछे सर ऊपर की तरफ आकाश की ओर तीन बार प्रश्न करें। अब हाथ नीचे कर लें, अब दोनों हाथ मेरी ओर कर इस तरह से था। जिन लोगों के उंगलियों में या हाथ में या सर से ठंडी या गर्म ऐसी हवा की लहरें आई हैं, वो सब लोग हाथ ऊपर करें, ये है अपनी भारत भूमि, सबको मेरी वंदना। जिस भूमि पर आप बैठे हैं उसकी ये कमाल है, नहीं तो आधा घंटा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चक्र को पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप लोग सब पार हो गए, अधिकतर कुछ नहीं हुआ, अधिकतर सब लोग पार हो गए, लेकिन अब इसके आगे कैसे जाना है, इसके लिए आपको हमारे सेंटर्स पे आना होगा। वैसे भी मेरे प्रोग्राम तीन चार जगह आप आइए और ये जान लीजिए कि ये आपके विचार से परी चीज है, इसलिए इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। आप सबको समाना है, आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भारतीय हैं। इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानना है सब कुछ आप जान सकते हैं बिना मूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य। देख लीजिए, देख लीजिए, अब भी आ रही, एक दूसरे के सर में भी देख सकते, इधर देख लीजिए, शंका नहीं, बस, और बड़ा आनंद आएगा। मैंने देखा बहुत से लोग एकदम हंसने लग जाते हैं, कहत कबीर आनंद भयो है। तो जिन्होंने मिलन के गीत गाए हैं उनके गीत गाइए, क्योंकि आप भी मिलन में बैठे, आप सब संतों को मेरा प्रणाम। लेकिन अब जान लीजिए कि आप संत हो गए हैं, इस योग को पूरी तरह से स्थापित करना है, उसके लिए बहुत समय की जरूरत नहीं, ध्यान सवेरे 5 मिनट शाम को 10 मिनट ही करना होगा, लेकिन सामूहिकता में आना जरूरी है। ऐसे आप आइए और इसे प्राप्त करें, और जिन्हें अभी आज नहीं हुआ और कल प्रोग्राम में आए वो भी प्राप्त कर सकते।
सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सबके लिए है। मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद। आपको उसमें फिर किताबें भी मिल जाएंगी, जो कुछ फोटोग्राफ वो मिल जाएंगे, हर एक चीज मिल जाएगी। पर पहले हम इसलिए नहीं किताबें देते कि फिर पढ़ने लग गए तो वही हो गया। सहयोग में बहुत से लोग हैं, सहयोग खूब पढ़ लिया, सब जानते हैं, पर चैतन्य नहीं, वाइब्रेशंस नहीं, ये किसी काम की बात है। चैतन्य होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए।